देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के बेसमेंट में चल रहे सेल्फ स्टडी सेंटर में डूबने से दो छात्रा और एक छात्र की मौत के बाद देश भर में बवाल मच गया है। इस मामले पर सियासत भी जोरों पर है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रही है। वहीं इस घटना के बाद तीसरे दिन दिल्ली नगर निगम ने मुखर्जी नगर में बड़ी कार्रवाई की। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर समेत दिल्ली नगर निगम की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दूसरे कोचिंग सेंटर्स को भी सील किया है। इसी क्रम में सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नेहरू विहार के वर्धमान मॉल के बेसमेंट में दृष्टि कोचिंग सेंटर चल रहा था। यहां पर सैकड़ों की संख्या में यूपीएससी स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में विकास दिव्य कीर्ति और उनका दृष्टि कोचिंग सेंटर काफी ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे में इस कोचिंग के सील होने की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम के बाद लोग विकास दिव्य कीर्ति के बारे में सर्च भी कर रहे हैं। पूर्व सिविल सेवक रह चुके विकास दिव्य कीर्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। कल रात मुखर्जी नगर में उनके घर के बाहर छात्रों ने खूब प्रदर्शन भी किया है। चलिए आज आपको विकास दिव्य कीर्ति के बारे में बताते हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक पॉपुलर प्रोफेसर और लेखक है जो देश के सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक है। सोशल मीडिया पर खूब छाए रहते हैं, लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा में एक साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के पिता महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य प्रोफेसर थे, जबकि उनकी मां भिवानी में एक पीजीटी टीचर थी। विकास दिव्य कीर्ति के दो बड़े भाई हैं, एक अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरे सीबीआई में डीआईजी हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने अपनी स्कूली शिक्षा हरियाणा के भिवानी जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में पूरी की है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हिंदी में बीए किया। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में डिग्री के साथ साथ एमए, एमफिल और पीएचडी की है। इस मजबूत शैक्षणिक आधार ने उन्हें भारत में यूपीएससी परीक्षाओं के लिए उच्च योग्य प्रोफेसरों में से एक के रूप में स्थापित किया है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने शिक्षण कैरियर की शुरुआत की थी। साथ ही पारिवारिक उम्मीदों से प्रभावित होकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और साल 1996 में ऑल इंडिया रैंक 384 हासिल की थी। गृह मंत्रालय में कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने शिक्षण के अपने जुनून का पालन करने का फैसला किया और 1999 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर की स्थापना की। उसके बाद देश भर में वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। विकास दिव्य कीर्ति अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, उनका काफी ज्यादा वीडियो भी वायरल होता रहता है। अक्सर आपने देखा होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इंस्टा हो या फिर यूट्यूब हो, वो अक्सर उनके वीडियोस पे मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं और लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं और उनके सरलता को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से जब ये खबर सामने आई लोगों के कि विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग यानी के दृष्टि आईएएस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, तो लोगों की रुचि बढ़ गई इस चीज में और वो उनके बारे में सर्च करने लगे। तो विकास दिव्य कीर्ति एक नामचीन इंसान है जो किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं और फिर बात भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। और उनके दृष्टि आईएएस से काफी ज्यादा बच्चे भी इस परीक्षा में सफल होते हैं, इस वजह से काफी ज्यादा वो चर्चा में भी रहे हैं। और अभी जो हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली के अंदर, उसके बाद से जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सारे के सारे चर्चा में आते चले गए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो ये बनता है कि इस हादसे के बाद जहां राजनीतिक पहलू यानी कि राजनीति इस पर की जा रही है, और आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं। लेकिन एक जो इंसिडेंट था, सबसे बड़ा मुद्दा ये रखता है कि क्या एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था इसी से, जो तीन छात्रों की मौत हुई है, इससे कुछ दिन पहले एक छात्र की करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों विकास दिव्य कीर्ति के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।